गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पार्ट 4 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है ये एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी है जिसके हाथ जो हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है। वह कढ़ाई का काम करती है और किस तरह से वह अपने जीवन में आगे बढ़ती है और किस तरह से वह सारी मुसीबतों से पार पाती है, यही इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो देखिए, यहाँ एक कढ़ाई की गई है कपड़े पर मलमल। मलमल एक तरह का कपड़ा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो जो कढ़ाई है वो किसने की है? इला सचानी ने की है। बादामी रंग होता है जो आपका आलमंड होता है बादाम, उसका कलर लाइट ब्राउन, उसको बादामी रंग कहते हैं। और कसूती एक तरह का धागा होता है, उसके टाँकों से बेल बनाई हुई है धोती पर चारों तरफ और उसके पल्लू पर को पूरा भरा हुआ है कढ़ाई से। तो उसकी तारीफ़ की गई है मलमल के कपड़े की, धोती की, लेकिन वो बनाई किसने? इला सचानी ने। इला सचानी जिसके कि हाथ काम नहीं करते हैं। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये इला सचानी की पिक्चर है। तो देखिए कैसे वह कढ़ाई कर रही है अपने पैर के अंगूठों से। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपनी नानी के यहाँ बीता। तो इला जो है वो 26 साल की है, सूरत में रहती है, राजकोट में। और जो उसका गांव है, जो उसका बचपन है, वो राजकोट गांव में बीता है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। अब उसके बचपन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन सब से उमन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंग लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आयो रे। तो जब इला सचानी छोटी थी तो ये तब की बात बताई गई है यहाँ पर, कि सांझ यानी शाम के समय, शाम होते ही सब बच्चे घर से बाहर आ जाते और सब आड़ी टेढ़ी लाइन खींचकर खेलते रेत में, कुछ कनेर के पत्तों से सीटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, गिट्टे होते हैं जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनसे खेलते हैं, कुछ टूटे फूटे जो घड़ों के ठीकरे होते हैं उनको इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रख के और जब उनको पत्थर से मारते हैं उसको बोलते हैं पिट्ठू खेलना। तो वह खेलना शुरू कर देते और जब इन सब से मन भर जाता तो वह क्या करते, वे पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर झूला झूलते और ऊँची ऊँची पेंगे। जब हम बड़े बहुत लंबे लंबे झूले झूलते हैं और क्या गाते थे, वो गाना गाते थे कच्चे नीम की निबोरी। वो गाते थे कि एक नीम की निबोरी जो है वो कच्ची है और वो सावन के महीने को कहते हैं कि तुम जल्दी से आओ। इला गाने में तो उनका साथ देती पर साथ पेंगे नहीं ले पाती, वो झूला नहीं झूल पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे दोगी, बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों में से ने तो जैसे उसका साथ देने न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना।
तो जब इला छोटी थी वह बच्चों के साथ खेलती थी तो उसके पैर तो क्योंकि बिल्कुल ठीक थे तो वो दौड़ तो सकती थी, लेकिन उसके हाथ काम नहीं करते थे। और जो धप्पा होता है उसमें हम क्या होते हैं कमर पर मारते हैं तो वो नहीं मार सकती थी, तो इसलिए वो बहुत मायूस थी कि वो नहीं खेल पाती थी बच्चों के साथ। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी इस कमी को ही अपने जीवन की चुनौती बना लिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात, भात यानी चावल, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया, दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को। किसी काम को तो वह बड़ी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, वह 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाई। इला को मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो जो इला है उसने वो सारे काम अपने जो भी थे वो अब अपने दोनों पैरों से करना सीख गई थी, और उसने एक स्कूल में एडमिशन भी ले लिया और 10वीं की उसने परीक्षा भी दी, परंतु वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वो लिख नहीं पाती थी इतनी गति से जितना कि बाकी बच्चे लिख पाते थे, और इस कारण वो पास नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसको यह जानकारी नहीं थी कि उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है यदि वह मांगे, और कोई और भी उसकी जगह लिख सकता था, परंतु तब उसे ये बात नहीं पता थी। यदि उसे पता होती तो कितना अच्छा होता, उसे इस बात का दुख है। लेकिन वह यह भी समझती है कि इसके साथ ही उसका जीवन ख़त्म नहीं हो गया, सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। तो देखिए कितनी पॉजिटिव स्पिरिट है उसकी। उसने हार नहीं मानी, वो असफल हुई लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी, कसीदाकारी यानी कढ़ाई करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकरती हुई देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया, दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहाँ अपने आप राह मिल जाती है, हमें रास्ता दिख जाता है। तो उसने क्या किया, उसने जो उसकी दादी और माँ थी वो कढ़ाई करती थी उनकी तरह ही कढ़ाई करने की ठान ली, और पैरों के अंगूठों से ही उसने सुई पकड़कर रेशम का धागा पिरोना सीख लिया और कढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी इसलिए उसे सफलता मिली। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। कठियावाड़ी गुजरात की एक जगह है, वहाँ की स्पेशल कढ़ाई है, उस वहाँ की पहचान है, उसे कहते हैं कठियावाड़ी कसीदाकारी। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, वह यह सब समझ गई थी। तो 15-16 साल की उम्र में ही वह एकदम कुशल कसीदाकारी करना सीख गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ी के साथ लखनऊ बंगाल की भी झलक थी। इला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे, पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी होती लखनऊ की कढ़ाई, लखनऊ की कुछ अपनी अपनी स्पेशलिटी है, अलग अलग रीजन की अलग अलग कढ़ाई है। तो चिकनकारी जैसे लखनऊ की है, कठियावाड़ी जैसे गुजरात की है, तो वो सारी कढ़ाई करना सीख गई थी। डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ये अलग अलग तरह की टाँके हैं, ये अलग अलग तरह के टाँकों के नाम है, अलग अलग तरह की कढ़ाई के नाम है, कांथा, कसूती, जंजीर, तो यह सब करना वह जानती थी। पारंपरिक डिज़ाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक है, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए
वह रुपहली बूटियां वह रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। और अब इला के पांव जो है वो नहीं रुकते हैं, क्यों? क्योंकि वह हाथ का कार्य अपने पैरों से लेती है। उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है, वह खुश है क्योंकि वह जीवन में उसकी कोई कमी नहीं है। उस कमी को उसने अपनी चुनौती बना लिया और उसे सफलता भी मिली। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा, अर्थात जहाँ पर इच्छा शक्ति होती है वहाँ पर अपने आप हमें रास्ता मिल जाता है और हम ज़रूर सफल होते हैं। तो एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ हम कल करेंगे। चैप्टर को पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।